नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। पिछले 2 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राकेश टिकैत उनसे बड़े किसान नहीं हैं और वे 2000 रुपए के लिए कहीं भी चले जाते हैं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है, मैं खुद एक किसान हूं, राकेश टिकैत मुझसे बड़े किसान नहीं है। मेरे पास किसानी के लिए जितनी जमीन है, राकेश टिकैत के पास उसकी आधी भी जमीन नहीं होगी। राकेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए। आप देश में वो किसानों को नहीं बांट सकते, इतिहास उन्हें याद रखेगा। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को इसके बारे में पूरी जानकारी है, ये किसान आंदोलन नहीं है। नंद किशोर गुर्जर ने आगे कहा, मैं टिकैत के परिवार का सम्मान करता हूं, लेकिन लोग राकेश टिकैत के बारे में कहते थे कि वो 2000 रुपए के लिए कहीं भी जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आंदोलन कहां ले जा रहे हैं? कल आप कहेंगे कि आतंकवादी आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिए। इससे पहले भी कई बार किसान आंदोलन को लेकर नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को अपशब्द कहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।